कांग्रेस की महासचिव और यूपी की सह प्रभारी प्रियंका गांधी अब एक मंझी हुई पॉलिटिशियन बन चुकी हैं। हम देख रहे हैं किस तरह से वो यूपी में जगह जगह पदयात्रा कर रही हैं, दौरा कर रही हैं और लोगों से मिल रही हैं। इसी संदर्भ में 3 दिन पहले वो पहुंची थीं यूपी के बनारस में, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। काफ़ी आक्रामक थीं और बहुत आराम से आहिस्ता आहिस्ता अपनी बातों को कहने के लिए मशहूर प्रियंका ने, आइए देखते हैं क्या कहा। मोदी जी ने जो आंदोलन कर रहे थे उन किसानों के बारे में क्या कहा? उन्हें आंदोलनजीवी कहा, आतंकी कहा। योगी जी ने उपद्रवी कहा, धमकाने की कोशिश की। इसी गृह राज्य मंत्री ने धमका कर कहा कि मैं 2 मिनट में तुम्हें सबक सिखा दूंगा। आंदोलन करने की कोशिश की तो 2 मिनट में सबक सिखा दूंगा। दुनिया के कोने कोने तक हमारे प्रधानमंत्री घूम सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, जापान जा सकते हैं, देश देश में भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन अपने किसानों से बात करने के लिए अपने घर से मात्र 10 किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर तक नहीं जा सकते। अपने आप को गंगा पुत्र कहने वाले हमारे प्रधानमंत्री ने गंगा मैया के आशीर्वाद से खेतों में फसल लहलहाने वाले करोड़ों गंगा पुत्रों का अपमान किया है। उनकी पूरी आमदनी, उनकी खेती, उनके फसल अपने खरबपति मित्रों को देने की साजिश की है।